فاتحة. इसका मफहूम ये निकला कि जो जालिम नहीं होंगे उन तक मनसब इमामत पहुंचेगा। तवज्जो आपकी। तो एक बात मैं अर्ज करूं कि इम्तिहान किस लिए होता है? जब मदरसे में पढ़ाया जाता है, तालीम में पढ़ाया जाता है, स्कूल में पढ़ाया जाता है, तो इम्तिहान जो है किस लिए होता है? ताकि तालिबे इल्म की सलाहियत मालूम करके जो दर्जा चल रहा है, अगर उस दर्जे के लायक उसकी सलाहियत हो गई है और वो दर्जे में कामयाब हो जाता है तो उसका दर्जा बढ़ा दिया जाए। अब जरा आयतों पर तवज्जो दें।
अल्लाह ने इब्राहिम का इम्तिहान लिया। इब्राहिम कौन है? पैगंबर हैं, उलुल अज़्म पैगंबर हैं, साहिब शरीयत हैं, खुल्लत के मर्तबे के ऊपर फायज हैं, खलीलुल्लाह हैं। अब इनका इम्तिहान हो रहा है तो जाहिर है कि इम्तिहान भी होता है तो उम्मीदवार इम्तिहान देने वाला जिस दर्जे का होता है उसी के मेयार के मुताबिक इम्तिहान भी तो होता है ना। ऐसा तो होगा नहीं कि दर्जे पंजुम का तालिबे इल्म हो और उससे दसवें का इम्तिहान ले लिया जाए। जाहिर है ये उसके साथ जुल्म है, ज्यादती है। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए और न होता ही है कि दसवें का तालिब इल्म हो और पंजुम के दर्जे का उससे इम्तिहान लिया गया हो। भाई जिस दर्जे का होता है इम्तिहान देने वाला उसी के मेयार के मुताबिक उसे इम्तिहान भी लिया जाता है। इम्तिहान किसका हो रहा है? इब्राहिम का हो रहा है जो नबी है, साहिब शरीयत है, साहिब दीन है, उलुल अज़्म पैगंबर है। खाने काबा अल्लाह की मोहब्बत में बनाया तो अल्लाह ने इनको खुल्लत के मर्तबे पर भी पहुंचा दिया। खलीलुल्लाह भी हैं तो जाहिर है कि इनके रुतबे और इनके मेयार के मुताबिक इनका इम्तिहान लिया गया होगा, है ना। तो पर्चा जो है उनके इम्तिहान के मुताबिक कितना कठिन रहा होगा। कुरान खुद ही कहता है इन्ना हादा लहुल बलाउल मुबीन कि इब्राहिम का जो इम्तिहान लिया गया तो बहुत सख्त इम्तिहान, बलाउल अजीम, बहुत सख्त इम्तिहान था, बहुत कठिन इम्तिहान था। इम्तिहान क्या था? खुद कुरान ही बयान करता है कि जनाबे इब्राहिम ने अपने बेटे इस्माइल से ये कहा कि या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामे अन्नी अज़्बहुका फंज़ुर माज़ा तरा कि मेरे बेटे मैं ख्वाब में देख रहा हूँ कि तुम्हें ज़बह कर रहा हूँ, लिहाजा तुम भी सोच लो, तुम भी गौर व फिक्र कर लो तुम्हारी क्या राय होती है। जी चाहता है अर्ज करूँ कि खलील खुदा अरे आपको हुक्म हुआ था ख्वाब में तो जनाबे इस्माइल से जिक्र करने की क्या जरूरत थी? अरे चुप चुपाते ले जाकर के उनको दबा कर दिए होते, कुर्बान कर दिए होते मैदान मीना में तो अजब नहीं। आवाज़ खलीलुल्लाह आए कि अगर मैं इस बात को अपने बेटे इस्माइल के सामने पेश न करता तो ये इम्तिहान सिर्फ मेरा कारनामा होता, इस्माइल का कारनामा न होता। इसलिए मैंने सोचा, बल्कि ये हुक्म परवरदिगार भी रहा है कि उनसे भी राय ले ली जाए। तो जनाब इस्माइल ने क्या कहा? या अबती फाल मातूमर सताजे तो नहीं इंशाल्लाह मेरा साबरी कि बाबा आपको खुदा की तरफ से जो हुक्म हुआ है आप उस पर अमल कर डालिए, इंशाल्लाह आप मुझे सब करने वालों में से पाएंगे, मुझे साबरीन में से पाएंगे। क्या जो आपको हुक्म हुआ है या अबती फाल मातूमर जो आपको हुक्म दिया गया है, ये तो कहते हैं मैंने ख्वाब में देखा, मैंने ख्वाब में देखा। और जनाब इस्माइल कहते हैं जो आपको हुक्म दिया गया है खुदा की तरफ से आप उस हुक्म के ऊपर अमल कर डालिए, इंशाल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। पालने वाले ये तूने अल्फाज क्यों कुरान में बदल दिए? इब्राहिम तो कहते हैं कि मैंने ख्वाब में देखा, तो अजब नहीं कुदरत की आवाज आए कि कल को किसी को ये कहने का मौका ना हो कि नबूवत जब सो जाती है तो उसके हवास सो जाते हैं, उसका नफ्सो कुलसिया जो है वो गाफिल हो जाता है। देखो ख्वाब के आलम में इन्हें हुक्म का इल्का भी किया जा रहा है और नबूवत उसे वसूल भी कर रही है, हासिल भी कर रही है। तो अजी अगर नबूवत इब्राहिमी ख्वाब के आलम में अगर खुदा का हुक्म हासिल कर सकती है, उसका शऊर इतना बेदार है, नफ्स इतना बेदार है, तो खत्मुल मुर्सलीन की नबूवत जरा से बीमारी के आलम में घर उधर की बोलने लगे सलावात अल मुहम्मद अल्लाह आप अमल कर डालिए, जो हुक्म खुदा हुआ उस पर अमल कर डालिए, इंशाल्लाह आप मुझे साबरीन में से पाएंगे। कौन कह रहे हैं? नबूवत इस्माइलिया बोल रही है आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। ये नबूवत का ज़ौक है, तवज्जो सुनिएगा, ये नबूवत का मिजाज है, ये नबूवत का ज़ौक है। जब
इब्राहिम ने बाप ने बेटे के सामने ये बात रखी कि मुझे हुक्म हुआ है कि मैं खुदा की राह में जबह कर दूं, तो क्या मिजाज है, क्या दोख है? कहते हैं आप उस पर अमल कर डालिए, इंशाल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। ये मिजाज नबूवत है। अजीब सब्र होता है मुसीबत के ऊपर, सब्र होता है मुसीबत के ऊपर। वायस है ना बबत शरीर लदीना, क्या है कि जब उन साबरीन को बशारत दे दो कि जब उनके ऊपर कोई मुसीबत नाजिल होती है तो वो कहते हैं कि हमको अल्लाह के लिए हमें अल्लाह ही की तरफ जाना है। वबशरी साबरीन लदीना इदा असाबत हुम मुसीबत कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो मालूम ये हुआ कि सब्र मुसीबत के ऊपर होता है, सब्र मुसीबत के ऊपर होता है। ये नबूवत इस्माइल है जो कह रही है कि बाबा आपको जो हुक्म हुआ है जब कहा तो आप उसके अमल कर डालिए, इंशाअल्लाह मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। ये मिजाज इमामत है कि जब जंगे खंदक में मौला अली अम्र इब्न अब्दुल का सर काट करके पैगंबर की खिदमत में आए हैं तो अम्र की एक जरबत रोका मौला ने, मगर हल्का सा वार पेशानी के ऊपर पड़ गया था, पेशानी जख्मी हो गई थी, पेशानी से खून जारी हुआ, चेहरा को लाल उजा हुआ, महासे सुर्ख हो गए। पैगंबर की खिदमत में आए अली तो पैगंबर इस्लाम अली के चेहरे के ऊपर नजर डालते हैं तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। फरमाते हैं ये अली उस वक्त तुम्हारा क्या आलम होगा जब ठीक इसी मकाम के ऊपर इब्ने मुलजिम की तलवार की जर्ब लगेगी। सुने ज़ौक इमामत, वो ज़ौक नबूवत था कि जब ज़बह की बात आई तो कहते हैं बाबा आप कर डालिए मैं सब्र कर लूंगा। ये ज़ौक इमामत है जब पैगंबर ने कहा कि इब्ने मुलजिम की तलवार की ज़रबत इसी मकाम के ऊपर लगे थी तो मौला कहते हैं या रसूल अल्लाह मैं शुक्र करूंगा। सब्र मुसीबत पर होता है, शुक्र नेमत मिलने पर होता है। वो खुदा की राह में ज़बह होने को मुसीबत समझ रहे थे, राजी थे जरूर, मगर मुसीबत समझा तो कहा सब्र कर लूंगा। मौला अली शहादत को नेमत समझते हैं जो खुदा की तरफ से मिल रही है, इसलिए कहते हैं कि मैं शुक्र करूंगा उस मौके के ऊपर। सलावत बाबा आप कर डालिए, जो कुछ हुक्म खुदा हुआ उसे अमल कर डालिए, इंशाल्लाह आप मुझे साबरीन में से पाएंगे, सब्र करने वालों में से पाएंगे। जनाबे खलील खुदा ने उस पर अमल कर डाला, इन्होंने तो अपने मुताबिक अमल कर डाला। इस्माइल का हाथ बांधा, पैर बांधा, मेला के मैदान में ला के लिटा दिया, अपनी आंखों के ऊपर पट्टी बांधी, गले के ऊपर छुरी रखी, छुरी फेर दी, और जिस तरह से जानवर जबह होता है तो नरखरे से आवाज आती हो, जब आती है जबह करने जबह तो आवाज भी निकली, समझे जबह हो गए इस्माइल। जब पट्टी आंख से खोली तो देखा जिंदा जबह किया हुआ है इस्माइल, सही और सालिम है। आवाज आई कुदरत की, देख करके दरअसल जो है ये मायूस हुए कि तो मेरा बेटा जो है कुर्बानी ही नहीं हुआ, जबह ही नहीं हुआ, ये तो जिंदा बच गया। क्या खुदा ने मेरी इस कुर्बानी को कबूल नहीं किया? तो आवाज जब कुदरत आई ना देना हो या इब्राहिम इन्नका कद सद्दक्ता रुया, इब्राहिम ख्वाब में जो आपको हुक्म दिया गया था उसको आपने बिल्कुल सच कर दिखाया। यानी इम्तिहान जो हुआ इब्राहिम का बेटे के जबह करने के सिलसिले में, यानी बेटे को जबह करना ये गोया पेपर और पर्चा था इस इम्तिहान का, बेटे को जबह करने का हुक्म हुआ था, इम्तिहान हुआ। बहुत से हजरात इब्तिदा में नहीं थे, मैंने याद किया कि इम्तिहान होता किस लिए है, ताकि आदमी इम्तिहान देने वाला उम्मीदवार जिस दर्जे में हो इम्तिहान में कामयाबी हासिल कर ले तो दर्जा बढ़ा दिया जाए। बस सही है ना कि घटता है? जब इम्तिहान में कामयाब हो जाता है, हमारी दुनिया में तो यही है, अगर 33% भी नंबर हासिल कर लिया
तो वो पास है, दर्जा बढ़ जाता है। यहाँ तो कुदरत कह रही है इन्ना कद सद्दक्ता रोया इब्राहिम, तुम इस इम्तिहान में 100% कामयाब हुए हो। वो 33%, 45% नहीं, 100% कामयाबी मिली। तो पालने वाले जब इब्राहिम इस इम्तिहान में कामयाब हुए, 100% कामयाब हुए, तो नबूवत के मर्तबे पर फायज ही है, खुल्लत के मर्तबे पर फायज ही है। अब बता तू दर्जा बढ़ाएगा तो क्या ओहदा देगा? इमामा इब्राहिम, मैं तुम्हें लोगों का इमाम मुकर्रर कर रहा हूँ। मालूम ये हुआ कि इमामत का मनसब नबूवत और खुल्लत के मनसब से बुलंद है, वरना इम्तिहान के कामयाबी के बाद इमामत का मनसब न मिलता। अगर नबूवत इब्राहिम इम्तिहान में 100% नंबर हासिल करती है तो इनका दर्जा बढ़ करके इमामत का दर्जा मिल जाता है। इन्नी जाएलुका लिन्नासे इमामा, इब्राहिम मैं तुम्हें लोगों का इमाम मुकर्रर कर रहा हूँ। पालने वाले बता, अगर कोई इमामत की मंजिल पर पहले ही से फायज हो तो नहीं है। नबूवत तो कुल्लत की मंजिल रखते हुए, दर्जा रखते हुए जब इम्तिहान में 100% नंबरों से पास हुए तो कुदरत ने कहा दर्जा तुम्हारा बढ़ा दे रहा हूँ, तुम्हें इमामत के मनसब के ऊपर फाइज कर रहा हूँ। तो पालने वाले अगर इसके सिर्फ अफराधी लिहाज से देखें, तो दे अफराधी लिहाज से देखे, यहाँ तो एक की कुर्बानी पेश करनी थी खुदा की राह में, करबला के मैदान में। अगर अफराधी लिहाज से देखें तो इब्राहिम के इम्तिहान से 70 बुरा हुसैन का इम्तिहान, 70 नहीं बल्कि 72 गुना। अगर सिर्फ अफराधी लिहाज से देखें, अजीब मशहूर है ना कि 72 कुर्बानियां हुसैन ने पेश की अपनी कुर्बानी समेत, तो इब्राहिम के इम्तिहान से हुसैन का इम्तिहान कम अज कम 72 में सिर्फ अफराजी यहाँ से देखे। कभी इस्माइल भूखे नहीं थे, इस्माइल प्यासे नहीं थे, उनके ऊपर और कोई मुसीबत नहीं पड़ी थी, बाप के हाथ से जबा करना था, लेकिन सिर्फ कुर्बानी के अफराद को पेश नजर रखें तो हुसैन की कुर्बानी इब्राहिम की कुर्बानी से 72 गुना ज्यादा। तो हुसैन का इम्तिहान इब्राहिम के इम्तिहान से 72 गुना सख्त। अगर वो खुल्लत के मंजिल पे नबूवत के दर्जे पे फायद होते हुए इस इम्तिहान में कामयाब होते हैं तो खुदा उन्हें इमामत का दर्जा अता करता है। अगर कोई पहले ही से इमाम हो और इससे 72 गुना सख्त इम्तिहान पेश करे और इनसे ज्यादा नंबर पाए, बताइए कि अब परवरदिगारे आलम उसे क्या दर्जा देगा, क्या मंजिलत देगा, क्या ओहदा देगा? पालने वाले तो ही बता, अगर नई आवाज कुदरत आए कि अगर आलम इमकान में इमामत के मनसब से बुलंद तर कोई मनसब होता तो मैं अपने प्यारे हुसैन को दे देता, लेकिन आलम इमकान का सबसे बुलंद दर्जा है इमामत का दर्जा। अब इससे बुलंद कोई दर्जा ही नहीं, इसलिए मैं अब हुसैन को दर्जा तो नहीं दे सकता, लेकिन हाँ हुसैन को इतना इनाम दूंगा, इतना इनाम दूंगा, इतना इनाम दूंगा कि आदम से लेकर के कयामत तक कोई शख्स ऐसे इनाम का हामिल नहीं हो सकता, ऐसा इनाम दूंगा। पालने वाले देगा क्या अगर नई आवाज कुदरत आए? अगर सुनना है तो मेरे हबीब की जबान से सुनो, पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं कि जो शख्स हुसैन के हक की मारिफत रखते हुए हुसैन की कब्र की जियारत करे उसे एक हज और एक उम्रे का सवाब होगा। तवज्जो सुनेंगे, मैं कभी मंदिर जा को ला रहा हूं। जो हुसैन के हक की मारिफत रखते हुए हुसैन के मर्तबे इमामत को पहचानते हुए उनके कब्र की जियारत करे तो एक मकबूल हज और एक मकबूल उम्रे का सवाब अता करूंगा, अता करेगा परवरदिगार।
सुनने वाली जोजा थी उम्र मोमिन तजुब हुआ। हुसैन की एक ज्यारत ने एक मकबूल हज और एक मकबूल उम्रे का सवाब तजुब किया उन्होंने, तो पैगम्बर ने कहा दो हज और दो उम्रे का सवाब। तजुब से कहा दो हज और दो उम्रे का सवाब, कहा तीन हज और तीन उम्रे का सवाब, कहा तीन हज और तीन उम्रे का सवाब, फरमाया चार हज और चार उम्रे का सवाब। उनका तहज्जुब बढ़ता गया और यहाँ सवाब बढ़ता गया, यहाँ तक कि सत्तर हज और सत्तर उम्रे के सवाब तक बात पहुंची। शायद उसके बाद तहज्जुब करने की हिम्मत ही ना रही और चुप हो गई। ये मत समझिएगा कि उनके तहज्जुब की वजह से पहले पैगंबर ने जो है एक हज और एक उम्रे का सवाब दिया था, तहज्जुब की वजह से फिर बढ़ा दिया था। नहीं, ये हो सकता है ज़ियारत करने वाले के मारिफत के रुतबे के एतबार से हो, जिसका सबसे कमतर रुतबा होगा वह यहीं से शुरू किया था पैगंबर ने। मारिफत का मर्तबा सबसे कमतर होगा तो उसे एक हज और एक उम्रे का सवाब मिलेगा, और जिसका कामिल तरीन मर्तबा होगा उसे सत्तर हज और सत्तर उम्रे का सवाब मिलेगा। हुसैन की एक ज़ियारत में सत्तर हज और सत्तर उम्रे का सवाब, जिसको मेरा निश्चय है कि मिस्र में इस तरह से जो है नरुमंद किया है, हफ्ताद हज है एक ज़ियारत हुसैन की। पालने वाले वो सिर्फ उम्र मोमिनी ही को तजुब नहीं, मुझे भी तजुब हो रहा। अरे एक ज़ियारत में इतना सवाब, एक ज़ियारत में इतना सवाब, तो अजब नहीं कुदरत की तरफ से मिसाल पेश की जाए। बतौर मिसाल बयान कर रहा हूं, एक अजीम शान सल्तनत का बादशाह है, अपने लाओ लश्कर के साथ शिकार के लिए जाता है। तवज्जो सुनिए मिसाल, लाओ लश्कर के साथ जंगल में शिकार के लिए जाता है। एक जगह मुनासिब जगह देख करके पड़ाव डाला गया, खेमे डाल दिए गए, छल छोड़ गाड़ियां नष्ट कर दी गई। जब इत्मीनान हुआ तो उसके बाद शिकार करने का भी इरादा हुआ, अपने अपने असले नहीं करके चले जंगल में। एक मरता जब आगे बढ़े तो एक हरण नजर आया। बादशाह ने कहा कोई और शिकार नहीं करेगा, इसका शिकार मैं करूंगा। चुनाचे हरण का पीछा किया और हरण ने देखा कि जब मेरा पीछा किया जा रहा है शिकार करने के लिए, तो वो तेज रफ्तारी के साथ थाना घने जंगल की तरफ वो भागता जा रहा है। बादशाह पीछा करता जा रहा है, साथ साथ कुछ दूर तक लाओ लश्कर भी चला, लेकिन ये शिकार करने की रोह में भागा जा रहा है शिकार के पीछे, और शिकार जो अपनी जान बचाने के लिए यहाँ तक कि घने जंगल में जाकर के हरण तो झाड़ियों में छुप गया, गायब हो गया। अब बादशाह पीछे मुड़ करके देखता है तो साथी छूट चुके, सिपाही कोई नहीं, साथी कोई नहीं, मसाही कोई नहीं, सबका साथ छूट चुका। भाग दौड़ में बादशाह को प्यास महसूस हुई, उसने पानी की तलाश की। पानी तलाश कर रहा इधर उधर, घने जंगल में कहीं कोई पानी का नामो निशान नहीं। जाहिर है कि जितनी इंसान की मेहनत भाग दौड़ बढ़ेगी उतनी प्यास शरीर भी होगी, प्यास के साथ साथ जो है बप्पा ज्यादा हुआ, टाइम ज्यादा हुआ तो भूख भी लग गई, भूख प्यास दोनों। अपने साथियों की तलाश में वो भी नहीं मिले, पानी की तलाश में वो भी नहीं, यहाँ तक कि ये भटकते भटकते एक जगह पहुंचा तो उसे दूर से झोपड़ी नजर आई। और इसका आलम यह है भूख और प्यास की वजह से कि अगर थोड़ी देर में इसे खाना पानी ना मिला तो मर जाएगा। जब दूर से झोपड़ी नजर आती है तो एक बार तो उसकी उम्मीद जरा सा बनती है, झोपड़ी है तो कोई रहने वाला भी होगा। करीब पहुंचा, देखा झोपड़ी के अंदर एक बूढ़ी औरत थी और उसका एक बेटा था जवान। झोपड़ी के बाहर एक बकरी बंधी हुई थी, कोई थोड़ी मोड़ी खेती बाड़ी कर लेते थे और बकरी के दूध से जो है वो अपना
पेट रोजी रोटी चलाते थे, पेट चलाते थे, भूख मिटाते थे। भाषा पहुंचा, अब कहा मैं बहुत भूखा और प्यासा हूं, बस अगर थोड़ी देर में मुझे खाना और पानी नहीं मिला तो मेरा दम निकल जाएगा, मर जाऊंगा। बुढ़िया ने देखा लिबास से कोई बड़ा आदमी, अच्छा आदमी लगता है, शहरी है। बेटे से कहा, एक बकरी थी उसकी पूरी कायनात। बेटे से कहा, बकरी जबा करो, पहले तो बकरी का दूध निकालो, दूध निकाल करके पिलाओ ताकि प्यास बुझे। दूध निकाल करके पिलाया, उसके बाद का बकरी जबा करो, उसका गोश्त निकालो। बकरी जबा की, गोश्त निकाला गया, फिर भून कर किया, पका करके जैसे भी बादशाह को खिलाया। जब प्यास बुझी, पेट भरा, वो दूध की तारी होने लगी और बादशाह के लिए आराम के लिए बिछा दिया और लेटा सोया। बादशाह तो भी साथ छोड़ चुका था, साथी भी इधर उधर जंगल में तलाश कर रहे थे। तलाश करते करते वो भी झोपड़ी तक पहुंचे, बादशाह सलामत मिल गए। जब बादशाह वहां से चलने लगा तो अब कहता है कि मैं इस हुकूमत का बादशाह हूं जिसमें तुम लोग इधर है, इस हुकूमत का बादशाह हूं। अगर तुम्हारे ऊपर कोई वक्त पड़े तो मेरे दरबार में आ जाना, मैं तुम्हारे इस एहसान का बदला दूंगा। तो जो सुनेंगे सिर्फ मिसाल ही मिसाल है, इसका मैं बदला दूंगा। जाहिर है उनके पूरी कायनात, पूरी पूंजी एक बकरी थी, वो भी तो जबा करके बादशाह का पेट भर दिया था, वो भी बादशाह को ऊपर कुर्बान कर दिया था। जब फाके की नौबत आई तो उस बूढ़ी औरत ने अपने बेटे से कहा कि चलो बादशाह के पास चलते हैं, शायद वहां से कुछ मिल जाए जिससे हमारा पेट भरे, हमारी जिंदगी चले। पहुंचे शहर में, पूछते पाछते बादशाह की महल तक पहुंचे। अब गेट से अंदर दाखिल होना चाहते हैं, दरबार है, कहां कहां? अरे बादशाह के पास, अरे सूरत भी देखिए, अपनी हालत भी देखिए, बादशाह के पास आ रहे हैं, चलो हटो हटो हटो। आखिर में बड़ी मिन्नत समाजत के बाद बुढ़िया ने कहा, अरे कम से कम हमारी बात तो पहुंचा दो बादशाह तक, बादशाह के पास इतना जाकर के कह देना वो शिकार खेलने गए थे, जिस बुढ़िया की झोपड़ी में आप पहुंचे थे वही बुढ़िया अपने बेटे को लेकर के आई है। बस जैसे ही ये खबर बादशाह तक पहुंची, कहा जब वो एहतराम के साथ दोनों माँ बेटी को लेके आओ। लेके आए, जब बादशाह के सामने आए तो बादशाह एहतराम खड़ा हो गया, उसे इज्जत एहतराम से बैठाया और उसके बाद अपने वज़रा की तरफ मुखातब होकर कहता है कि उस वक्त जब मैं जंगल में भूख और प्यास से मर रहा था तो इसने एक बकरी, इसकी पूरी कायनात थी, वो बकरी जो है मुझ पर कुर्बान कर दी। अब बताओ तुम लोग, मैं उसके इस एहसान का बदला क्या दूं? तो किसी वजीर ने कहा कि सरकार आप इन माँ बेटे को इतनी दौलत दे दीजिए कि जिंदगी भर ये बैठ करके खाएं। सुन लिया बादशाह ने, दूसरे से कहा तुम क्या कहते हो? कहा उसके बेटे को कोई जागीर दे दीजिए, वो ठाट के साथ जिंदगी गुजारते रहेंगे। उसकी भी सुन लिया, सब अपने अपने राय दे रहे हैं। आखिर में बादशाह कहता है तुम लोगों ने इंसाफ से काम नहीं लिया, तुम लोग उसकी एक बकरी देख रहे हो, ये नहीं देखते कि उसकी पूरी कायनात सिर्फ एक बकरी थी, तो उसने बकरी मुझ पर कुर्बान नहीं की है बल्कि अपनी पूरी कायनात मुझ पर कुर्बान कर दी है। उसकी पूरी कायनात वो एक बकरी थी, मेरी पूरी कायनात ये मेरी पूरी हुकूमत है। इंसाफ का तकाजा तो ये है कि जब उसने अपनी पूरी कायनात मुझ पर कुर्बान कर दी तो मैं अपनी पूरी कायनात उन पर कुर्बान कर दूं। और ये कह करके तख्त पे उतर आया, बुढ़िया के बेटे को तख्त पर बैठा दिया। पालने वाले हुसैन मैदान-ए-करबला में अपनी पूरी कायनात
तेरे लिए फरमान कर रहे हैं। पालने वाले बता दे इसकी जगह क्या देगा, इसका इनाम क्या देगा। अजब नहीं आवाज कुदरत आए, हुसैन ने अपनी पूरी कायनात मेरे लिए कुर्बान कर दी। हुसैन की पूरी कायनात वो बहुत बहत्तर अज्जा व शान थे, वो अले हरम थे, वो उनकी चादरें थी, वो उनके असबाब थे, वो उनके खैमे थे, वो सब का सब मुझ पर कुर्बान कर दिया। मेरी पूरी कायनात मेरी खुदाई है, ये तो मुमकिन नहीं कि मैं अपनी खुदाई हुसैन को दे दूं, ये मुहाल है मुहाल। मैं अपनी खुदाई हुसैन को दे दूं, लेकिन हाँ मैं हुसैन को ऐसा ही नाम दूंगा कि खुदाई तो मेरी होगी लेकिन सिक्का हुसैन का चलेगा। कायनात मेरी होगी लेकिन मशीहत हुसैन की चलेगी। हुसैन ने अपनी पूरी कायनात अल्लाह के लिए कुर्बान कर दी, तो इसका जज़ा अब ये तजुब की बात नहीं ना है कि एक ज़ियारत करे कोई हुसैन की, हुसैन के हक को पहचानते हुए तो 70 हज और 70 उम्रे का उसे सवाब क्यों मिलेगा। इसलिए कि हुसैन ने अपनी पूरी कायनात खुदा के लिए कुर्बान कर दी है, तो खुदा ने पूरी कायनात का अख्तियार हुसैन को दे दिया है। इसलिए कि देता भी तो और क्या देता, अगर कहता कि जन्नत जन्नत दे दूं तो हुसैन कहते जन्नत तो पहले ही से मेरी मिल्कियत है। अगर कहता कि कौशल तो कहा कौशल के साथे तो मेरे बाप पहले ही से है। पालने वाले तू देगा क्या, तो कहा हुसैन को इतना दूंगा कि इब्तिदाई बशरियत से कयामत का किसी को नहीं मिला होगा। इतना दूंगा इतना दूंगा कि इब्तिदाई बशरियत से, अरे ये क्या कम मामूली बात है। ये हुसैन के कारनामे को, हुसैन की कुर्बानी को, हुसैन के गम को, हुसैन की अदा को जो तासीर की कुव्वत मिली है, जो असर अंगेजी मिली है किसी और वाक़े में इतना दम है, किसी और कारनामे में इतनी कुव्वत, अजी कोई कारनामा आपको दुनिया में नहीं मिलेगा जिसमें इतनी कुव्वत हो, इतनी तासीर हो, इतनी असर अंगेजी हो। हुसैन का कारनामा, हुसैन का कारनामा। अगर याद रखिए मंतिक में, फलसफे में, कलाम में, हदीस में, कुरान में अगर खुदा के वजूद की कोई दलील ना होती, कोई दलील ना होती, तो सुनिएगा, अगर कोई दलील ना होती तो मैं सिर्फ गंदे हुसैन से खुदा के वजूद को साबित कर सकता, सिर्फ गंदे हुसैन से खुदा के वजूद को साबित कर सकता हूँ। इसलिए कि फितरत है कि जब किसी के ऊपर सदमा होता है, पड़ता है, मुसीबत पड़ती है, गमजदा होता है, लेकिन ये भी फितरत है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है, कहते हैं ना कि वक्त बहुत बड़ा मरहम होता है, जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है वैसे वैसे गम हल्का होता जाता है, यहाँ तक कि हल्का होते होते एक वक्त वो आता है कि बिल्कुल खत्म हो जाता है। मैं आपको और किसी की मिसाल क्या दूं, मैं अपनी ही मिसाल दूं। मेरा 17 बरस का बेटा हादसे में मारा गया, जब मेरे सामने उसका दम निकला है तो मैं बेहोश हो गया था और कितने दिनों तक मुझको पता नहीं होता था कि मैं किस आलम में हूं। आज 15वां साल है, सिर्फ तसव्वुर ज़हन में आ जाता था, कितने दिनों तक तो आंखों से फौरन आंसू गिरने लगते थे, दिल भर आता था, लेकिन आज तस्करा भी होता है तो आंख में आंसू नहीं आता। कितने दिन हुए, अभी 15 सदियां नहीं बीती है, सिर्फ 15वां साल है। मालूम यह हुआ कि ये भी फितरत का तकाजा है कि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता जाता है गम हल्का होता जाता है, हल्का होता जाता है। जानते हैं ना मौजदा किसे कहते हैं, जो फितरत को तोड़ दे, जो तबीयत को तोड़ दे।
अजी गले हुसैन खालिद आदत है, खालिद फितरत है। 14 सदियां गुजरने के बाद ये गम हल्का नहीं हुआ और पा रहा है, बढ़ता जा रहा है। सोचिए अगर फितरत के ऊपर कोई कुव्वत न होती जो हुसैन के गम को आज भी ताजा रखे हुए है, तो गमे हुसैन तक का खत्म हो गया होता, मिट गया होता। मालूम ये हुआ कि कोई कुव्वत और कुदरत है जो हुसैन के गम को आज भी ताजा रख करके चला रही है। और आपको बताऊं वो कौन सी कुदरत है, जिस वक्त महज़र शहादत पैगम्बर इस्लाम की खिदमत में पेश किया गया, जिब्राइल अमीन महज़र शहादत लेकर के आए, कहा या रसूलल्लाह ये आपके नमाज़े हुसैन का महज़र शहादत है, आप इसे देख लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, आप इसके ऊपर राजी हैं। पैगम्बर इस्लाम ने कहा मैं राजी हूं। और इसके बाद मौला अली को बुलाया क्योंकि ये बाप थे हुसैन के। फातिमा ज़हरा सलवातुल्लाह अलैहा को बुलाया ये माँ थी। हसन को बुलाया ये भाई थे। ज़ैनब उम्मे कुलसूम को बुलाया बहने थे। फरमाया महज़र शहादत खुदा की तरफ से पेश हुआ है, ये मेरा नवासा हुसैन करबला के मैदान में अपने 71 साथियों के साथ शहीद होगा। 71 साथियों के साथ शहीद होगा, भूखा और प्यासा शहीद होगा। अली राजी हो? कहते यार रसूलल्लाह राजी हूं। फातिमा राजी हो हुसैन की शहादत पर? बाबा जान राजी हूं। हसन राजी हो? नाना राजी हूं। हुसैन राजी हो? नाना राजी हूं। ज़ैनब राजी हो? कहा नाना राजी हूं। उम्मे कुलसूम राजी हो? कहा नाना राजी हूं। अभी इब्तिदा मैंने कहा था ना कि जब हुक्म हुआ जनाब इस्माइल को ज़बह करने का, तो ताकि एक का कारनामा न रह जाए उनके सामने भी पेश किया। मंजूर है ना? पैगम्बर की खिदमत में पेश होता है। पैगम्बर सिर्फ हुसैन से नहीं कह रहे, जिन जिन हस्तियों की जरूरत पड़ सकती थी उनके सामने हमने पेश रखा। आगे के मामले बाद में ऐड कर दूंगा मसायब में, इतना मैं ऐड कर दूं। जनाब सैयदा कहते हैं बाबा जान जब मेरा लाल हुसैन शहीद होगा तो आप तो मौजूद होंगे ना दुनिया में। कहते बेटी मैं उस वक्त मौजूद नहीं रहूंगा। कहा आप नहीं रहेंगे, अली तो मौजूद होंगे। फरमाते हैं अली भी मौजूद नहीं होंगे। कहा मैं तो मौजूद रहूंगी। कहा बेटी तुम भी मौजूद न रहोगी। कहा हसन तो मौजूद होंगे। कहा हसन भी मौजूद नहीं होंगे। बस सैयदा के दिल पर चोट लगी। एक बार तो कहते हैं बाबा आप नहीं होंगे, अली नहीं होंगे, मैं नहीं रहूंगी, बताइए मेरे लाल के ऊपर रोएगा कौन, मेरे फर्जंद का गम कौन मनाएगा। पैगंबर कहते हैं बेटी घबरा नहीं, बेटी दिल छोटा ना करना, मैं नहीं होगा, अली नहीं होंगे, तुम नहीं होगी, तो इससे दिल छोटा मत करना कि तुम्हारे हुसैन पर रोएगा कौन। खुदा एक कौम को पैदा करेगा जिसके मर्द हुसैन और हुसैन के साथ शहीद होने वाले मर्दों के ऊपर मातम रोएंगे, जिनके जवान हुसैन के जवानों का मातम करेंगे, जिनके बच्चे हुसैन के बच्चों का मातम करेंगे, जिनकी औरतें अहले हरम का मातम करेंगी। मेरी बेटी घबरा नहीं, दी छोटा ना करो। तो एक मतलब सैयदा के दिल को ढारस हुई, तस्कीन हुई। मैं इस मंदिर पे आपको इसलिए लाया हूं कि पैगंबर ने क्या कहा, खुदा ये कौम को पैदा करेगा और ये कयामत तक रोते रहेंगे, सिलसिला चलता रहेगा। मालूम ये हुआ कि मरूरे अय्याम से, जमाने के गुजरने से जो फितरत है कि हम मिट जाता है,
खुदा उसके ऊपर अपने कुदरत से एक कौम को पैदा करता रहेगा, हर दौर में हर जमाने में जो हुसैन का गम मनाते रहेंगे और हुसैन का गम ताजा रहेगा। खुदा पैदा करेगा, खुदा उसका इंतजाम करेगा। तो एक बार तो पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं कि बेटी जरा तफसील तो सुन लो, सिर्फ तुम्हारा हुसैन कर्बला के मैदान में शहीद नहीं होगा, हुसैन के असहाब भी शहीद होंगे। अली बोलो मंजूर, या रसूलल्लाह मंजूर, क्या हुसैन के अज्जा भी शहीद होंगे, कासिम का नाशा पामाल होगा और नो मोहम्मद शहीद होंगे, अब्बास के बाजू कटेंगे, असगर के गले के ऊपर तीन फल का तीन लगेगा, मंजूर। बोला कहते हैं या रसूलल्लाह मंजूर, का बेटी फातिमा मंजूर, फातिमा कहते या रसूलल्लाह मंजूर, हुसैन मंजूर, हुसैन कहते हैं नाना मंजूर, हसन वो भी कहते हैं नाना मंजूर। एक मरतबा पैगंबर इस्लाम कहते हैं और सुनो, हुसैन की शहादत के बाद खैमे जला दिए जाएंगे, सैदानियों के सरों से चादरें छीन ली जाएगी, उनमें कुलसूम बलवाए आम में सर पर रहना होगी, बाजुओं में रस्सियां बांधी जाएगी, करबला से कैद करके कूफे और कूफे से शाम तक ले जाया जाएगा। बोलो अली मंजूर, एक मरतबा अली ने सर झुका लिया, फातिमा मंजूर, फातिमा ने सर झुका लिया, हुसैन मंजूर, हुसैन ने सर झुका लिया। अब ना अली की आवाज निकलती है, न फातिमा की, न हुसैन की, न हसन की, नामोश की, इज्जत का मामला था। एक मरतबा ज़ैनब उठी, नन्हे नन्हे कदमों से चलती हुई आगे बढ़ी, हुसैन के शाने पर हाथ रखा, भैया हुसैन कर दीजिए नाना मंजूर। हुसैन ने सर झुका करके कहा नाना मंजूर, और हुसैन की शहादत के बाद नबी की यही नवासियां, यही शहजादियां करबला के मैदान से रसन बसता कूफे के बाजार में, कूफे के दरबार में, फिर शाम के बाजार में, शाम के दरबार में सरबरा ना गई। सैयद सज्जाद इस आलम को देख करके सर झुका लेते थे। जब सैयद सज्जाद से रिहाई के बाद पूछा जाता कि सैयद सज्जाद ये तो बताइए कि आपके सबसे ज्यादा मुसीबत कहाँ पड़ी, तो सैयद सज्जाद आंखों में आंसू भर करके तीन मरतबा कहते थे अश्राम अश्राम अश्राम। जी चाहता है पूछो सैयद सज्जाद, अरे सारी मुसीबतें को करबला के मैदान में खत्म हो गई, अकबर के सीने में बर्छी लगी करबला के मैदान में, आसिफ का नाशा पामाल हुआ करबला के मैदान में, असर के गले पे तीन लगा करबला के मैदान में, अब्बास के बाजू कटे करबला के मैदान में, हुसैन के गले पे खंजर चला करबला के मैदान में, अरे शाम में कौन सी मुसीबत पड़ी अगर नहीं सैयद सज्जाद आवाज दें, अरे गैरतदार इंसान के लिए इससे बड़ी मुसीबत क्या होगी कि माँ फुफियां बहने सरबराना है, बाजुओं में रस्सी बंधी हुई है, कैदी है, मुनादी आगे आगे आवाज देता है हाजी सबाया मनाते रसूलल्लाह रसूलल्लाह, कि तमाशाइयों आओ देखो ये रसूल जादिया है जो कैदी बनाई गई है, बलवाया में फिराई जा रही है। इन्ना लिल्लाह।